back a year ago. तो हे हेलो व्हाट्स अप गाइस, 100 रन ईयर, आप सभी लोग का स्वागत है मेरा माइनक्राफ्ट का 1.18 का केव्स एंड क्लिफ्स का पार्ट 2 का सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 2 पे। यार इतना बड़ा बार बार बोलना जरूरी है क्या? नहीं। अरे थैंक यू जी। तो गाइस, अरे भाई ऑलरेडी रात हो गया भाई। देखो लास्ट टाइम हम लोग इस छोटा सा गटिया वाला गुफा के अंदर घुस के कुछ तो टाइम पास किए थे। अच्छा, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज यार उसमें से मुझे सिर्फ 2 डायमंड मिला, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें लैपस वसूली मिला जिसका मतलब हमें गुड लक मिलता है। पूछा मैंने कुछ? तो गाइस ऑलरेडी रात हो गया है एंड मैंने अभी तक कोई भी वो क्या बोलते हैं भाई उसको कलेक्ट नहीं किया। क्या वो? हाँ वो बकरा वाला, वो वुल कलेक्ट नहीं किया भाई। हमें कैसे भी करके बहुत जल्दी बकरा ढूंढना होगा। मुझे वहाँ पे एक बकरा दिख रहा है, लेट्स गो एंड किल हिम। आज हमें कैसे भी करके इस वर्ल्ड में हमारा सबसे पहला घर बनाना है। आई थिंक ये मेरा एक्चुअल बेस नहीं बनेगा बिकॉज यार मुझे बहुत ही अच्छा घर बनाने का है, जिसे बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा मटेरियल की जरूरत होगा। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे ही तो फटाफट से हम लोग लेंगे अपना क्राफ्टिंग टेबल और बिल्ड करेंगे एक मस्त वाली बेड जो किसी ने सोची ना होगी। एंड उसके बाद इस बेड में मस्त इन बकरों के सामने ही सो के दिन निकालेंगे। मजा आया। अभी हमें अपना घर बनाने के बारे में बात करना है। हाँ यार मैं इसके बारे में भूल ही गया, मैं मेरा बेस नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा समझ लो एक गेस्ट हाउस है। ठीक है ओके। इसमें छोटी सी डिफरेंस है, मतलब मैं गेस्ट हाउस जमीन में नहीं बनाऊंगा, आसमान पे भी नहीं बनाऊंगा, मैं पानी में बनाऊंगा। आई थिंक मैं एक छोटा सा बोट हाउस बनाने का प्लान कर रहा हूँ यार। वो घर बनाने से पहले हमें उसका मटेरियल भी कलेक्ट करना पड़ेगा ना ब्रो। जी ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जाएंगे बहुत ज्यादा वुड कलेक्ट करेंगे एंड बहुत ज्यादा कॉबलस्टोन भी कलेक्ट करेंगे एक बार सब कुछ। एक्सक्यूज मी एक मिनट। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? हमें अभी बहुत ज्यादा कॉबलस्टोन और बहुत ज्यादा ही लकड़ियां कलेक्ट करना होगा। एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले ना बहुत ज्यादा स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने ये पूरा एरिया क्लियर कर लिया है एंड मेरे पास टोटल 3 स्टैक का स्टोन है। एक्चुअली यार ये सब स्टोन ना माइन करने के टाइम पे मेरा आयरन पिकैक्स बाय बाय बोल दिया वो, तो मैंने एक स्टोन का पिकैक्स बना के बाकी सारा स्टोन भी कलेक्ट कर लिया है। अभी हम लोग जाएंगे अपना ओक वाली वुड कलेक्ट करते हैं, मतलब इतना भी बड़ा बोट नहीं बना रहा हूँ लेकिन एक बोट हाउस बनाऊंगा भाई एंड टाइम लैप्स तो है ही भाई। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले जाएंगे हमारा पहला वो क्या है भाई, लकड़ियां कलेक्ट करना शुरू करते हैं। आई थिंक 2 से 3 मेरा पिकैक्स तो इसी में गायब हो जाएगा। बट मेरे पास एक्चुअली यार देखो मेरे पास आयरन तो है लेकिन मैं आयरन इस पे वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ बिकॉज यार अपने को अपने घर को ना थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए लैंटर्न बनाना पड़ेगा भाई। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास 2 स्टैक का आई थिंक 2 स्टैक से ज्यादा एक और ओक लॉग मिल चुका है। अभी हमें लोकेशन ढूंढना है कि हमारा घर अपने को कहाँ बनाने का है। अब गाइस मुझे किसी पानी के बीच में ही बनाने का है एंड वो साइड में स्नो है यार, स्नो साइड में बनाएंगे तो भी अच्छा दिखेगा। अरे मैं आइस पैक्स के बायोम के बाजू में है क्या? अंदर क्या? तो यहाँ पे अगर अपना स्नो व्हाइट रहेगा तो यार स्नो व्हाइट को भी देखते हैं। बट आई गेस नहीं। अरे नहीं स्नो व्हाइट है भाई। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। अरे स्नो व्हाइट को क्या खिलाता है भाई उसको दोस्त बनाने के लिए? एक मिनट रुको, रॉ फिश। अच्छा पोलर बेयर को ना मुझे मछली खिलाना होगा भाई। हमको सिखा दिया है। क्या पोलर बेयर नॉर्मली फ्रेंडली होता है क्या? नजदीक जाके देखने से मालूम पड़ जाएगा। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पोलर बेयर है। ए ब्रो आप अटक गए क्या? कैन आई हेल्प यू? क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ? टच नहीं कर सकता भाई, बट यार ये काफी फ्रेंडली है भाई दिस क्रिएचर। रुको जरा सबर करो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो व्हाइट है यार। आई थिंक यहाँ पे कोई एक रूइन स्ट्रक्चर है। मैं पता नहीं यार इतना एक्सप्लोर क्यों कर रहा हूँ, मुझे घर बनाने का है। बट ठीक है यार इतना दूर तक आ ही गए तो थोड़ा तो अपने वर्ल्ड का। नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं एक चिकन खाया, आई मीन ये चिकन नहीं है क्या ये? स्नो व्हाइट काफी फ्रेंडली है। अरे मतलब जो बच्चों के साथ रहता है वो अपने को अटैक करता है क्या? जा पूछ क्या। यार माइनक्राफ्ट भी हॉरर गेम कब से बनने लग गया भाई। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक सी लैंटर्न दिख रहा है एंड एक चेस्ट दिख रहा है यार अंदर एंड कोई इस चेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं जाके इसको लूट सकता हूँ। एंड कोल मिल गया भाई, कोल से कोई मतलब नहीं है। कोई आ रहा है क्या मेरे पास? अरे कोई तेज भाग के आने का आवाज आ रहा है यार मुझे। और यहाँ पे बरी ट्रेशर मैप है ब्रो। ठीक है गाइस बरी ट्रेशर मैप अपना अगला मतलब अगला एपिसोड के लिए। अभी हम लोग को जल्दी से जल्दी अपने लिए घर बनाना होगा
नीचे क्या चमक रहा है यार, डायमंड है क्या? वो क्या है? अच्छा वो अपना वो है भाई, वो कौन है? ड्रोनर्स है भाई, नुबड़े लोग हैं। गजब बेइज्जती है। चलो उनको छोड़ो भाई, अभी अपने को घर बनाने का, अपना टास्क भूल के मैं बहुत कुछ अनवांटेड काम कर रहा हूँ। तो घर तो यार मुझे लग रहा है अभी यही पर ही कहीं बनाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, जितना होगा उतना ब्यूटीफुल बनाने का मैं कोशिश करता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस सब यहाँ पे रखता हूँ, बिकॉज ये सब का बहुत सारा काम आने वाला है। फर्नेस भाई तुम यहाँ रहो। अरे फर्नेस को बुलाया था, पत्थर कहाँ आ गया? हाँ फर्नेस, अरे भाई हेलो फर्नेस, कहाँ है मेरा? फर्नेस, हाँ ग्रेट सक्सेस। अभी बात सुना, तो फर्नेस यहाँ पे लगा देते, इधर आयरन को पकाने के लिए रख देते हैं। तो गाइस हम लोग ने स्लैब बनाया है, अभी एक काम करते हैं, इस स्लैब को प्लेस करना शुरू करते हैं। समझ लो कि थोड़ा ये पैथवे है अपना बोट हाउस तक जाने के लिए। वैसे गाइस मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा कि ये बोट हाउस कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम लैप भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक स्लैब, तो यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे तीन, ठीक है ऐसा बना दो। और तीन आ गया तो यार पांच तो आना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं तीन और पांच, तो क्या हो गया ऑड नंबर्स चालू है यहाँ पे। पहले एक फिर तीन फिर पांच, पांच के बाद आप लोग को सीधा जाना पड़ेगा साइड में लाइक दिस, और पांचवा नंबर पे ब्लॉक लगा के यहाँ पे साइड में आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे आपकी मर्जी होता है कि कितना बड़ा बोट आप बनाना चाहते हो। आई थिंक 14 से 16 तक मैं खींचना चाहता हूँ, तो ये वन है। तो गाइस मैंने 16 तक बढ़ा दिया है, अभी वो सेट भी मुझे वही करना होगा, तो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ उससे भी मैं। और इसके बाद वो तीन आएगा, वन टू थ्री, उसके बाद वो एक आएगा। तो गाइस इतना भरने के बाद मुझे बाकी जो स्लैब्स है उसे अंदर भी भरना होगा। यार मैं नूबड़ा हूँ यार, मैं आधा टाइम लैप्स करना छोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक आने का। माफ कर दो यार, गलती से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब हम लोग इस पे स्लैब्स करना शुरू करते हैं इसके साइड में, ठीक है लाइक दिस। तो हम लोग को पूरा यहाँ से इसे घुमाना है। तो गाइस ये इतना बन चुका है, ठीक है। इतना बनने के बाद क्या करना पता है क्या? हाँ इतना बनने के बाद हमें बना के लेके आना है ट्रैप डोर्स। अभी ट्रैप डोर को लेंगे एंड उसको भी चिपकाना शुरू करते हैं लाइक दिस। हम लोग इसके आगे ना अपना घर का जो बेसिक जगह है उसे प्लांट करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा एक लेवल नीचे होना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली लाइक दिस। इसके बाद हमें बस अपने को अपना स्लैब को यूज करने को आना चाहिए। तो ये मैंने छोटा सा एक रूफ जैसा बना दिया है, अब हमें इसमें सैंड भी कलेक्ट करना होगा भाई। तो गाइस इतना बन चुका है, मुझे पता है बहुत घटिया लग रहा है। ओ यहाँ पे भाई, गाइस तुम लोग देख रहे हो मेरा घर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गुफा है यार। हम लोग ने एक काम करते हैं, बाद में आके इस गुफा को भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब गाइस बात यह है कि मुझे यहाँ पे पूरा कवर भी करना है अपने घर को, बट मैं सोच रहा था थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अपन अपना ग्लास से करेंगे, बस एक दरवाजा एंट्रेंस के लिए छोड़ देंगे। अब एक काम करते हैं, हम लोग अपना घर के ऊपर एक लेटर बनाते हैं, घर के नीचे भी बनाते हैं, लेकिन घर के नीचे का जो है वो बाद में बनाएंगे, बिकॉज अभी उसका कोई जरूरत नहीं है। बस ये थोड़ा ऊपर का जो एरिया ना उसे मुझे थोड़ा सा कम्प्लीट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट है। कम्प्लीट कैसे करेंगे मैं वही सोच रहा हूँ यार, मेरे को थोड़ा कुछ ना अजीब लग भी रहा है। आई थिंक मैं उसको थोड़ा सा टचअप करूंगा ना तो शायद अच्छा लगेगा। मे भी जो ऊपर का जो स्लैब है ना बहुत ही पतला है, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा पतला लग रहा है, तो उसमें मैं और एक स्लैब लगा दूंगा तो शायद थोड़ा अच्छा लग सकता है। 2000 years later. गाइस पहले मैं आप लोग को दूर से अपना पहला वाला छोटा वाला ब्यूटीफुल वाला क्यूट वाला अच्छा वाला बोट हाउस का नजारा दिखाता हूँ। यार सच्ची बताओ कैसा लग रहा है? तोबा, मुझे अच्छा भी लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है। अगर आप लोग को लग रहा है ना कि आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे लेकिन ऐसे ही दिखने में अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज एक बार हार्ट का इमोजी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। You know what time it is.
तो गाइस आई होप सो कि तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो गाइस नंबर 10 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देना। गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15,000 लाइक्स। आई नो थोड़ा बहुत ही बड़ा नंबर है, बट हुआ तो लाइक कर देना गाइस, और कुछ नहीं। मिलते हैं अगला वीडियो पे। टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।